किसान बदलते भारत की शान डीडी किसान बदलते भारत की शान नमस्कार किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ है और आज किसान प्रश्न मंच की टीम पहुंची है हरियाणा के गांव मग्घा वाली में और इस वक्त तमाम किसान हमारे साथ मंच पर जुड़ गए हैं और विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सबसे पहले परिचय करा देते हैं हमारे विशेषज्ञों का नमस्कार किसान भाइयों मेरा नाम नीरज नागर है कृषि विकास अधिकारी फार्म यंत्र जिला फतेहबाद सभी को नमस्कार मैं राजेश याग उप कृषि निदेशक फतेहबाद नमस्कार किसान भाइयों मेरा नाम आदित्य कजालिया है मैं वरा क्लाइमेट प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव की कंपनी में काम करता हूं और यहां पे मैं पूरे भारत में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको देखता हूं। नमस्कार सभी किसान साथियों को मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है मैं वराह टेक में क्षेत्रीय अधिकारी हूं पंजाब और हरियाणा में किसानों के बीच कार्य करता हूं जोरदार तालियां बजाएं विशेषज्ञों के लिए इस कार्यक्रम में जुड़ने पर और अपने लिए भी जोरदार तालियां तमाम किसान भाई यहां पहुंचे उनका भी इस मंच पर स्वागत है और शुरुआत करेंगे आज देखिए किसान प्रश्न मंच जिस तरह से लगातार हमारे किसानों के साथ संवाद करता है उनसे प्रश्न पूछता है और उत्तर देते हैं हमारे किसान भाई और उन्हें इस मंच पर नवाजा जाता है किसान कब से इसी की शुरुआत इसी सिलसिले की शुरुआत हम करेंगे और आज हमारा सब्जेक्ट है कस्टम हायरिंग सेंटर इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ आपको जवाब देने हैं और बिना डरे बिना सहमे आपको जवाब देने बेबाकी के साथ इस मंच पर पूरी आजादी के साथ आपको जवाब देना है और इसलिए सबसे पहला सवाल हम आपसे करेंगे सबसे पहला सवाल है कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है यह आपको बताना है तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए और बता दीजिए कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है तो देखिए आगे से हाथ उठने शुरू हो चुके हैं इसलिए शुरुआत आगे से करेंगे और सबसे पहले आगे से ही जानते हैं हमारे किसान भाई से क्या नाम है आपका नमस्कार मेरा नाम कुलदीप सिंह गाँव संगा। जी सर कस्टम हायरिंग सेंटर वो है जो के लिए उचित हमें उपलब्ध होती है पे उसे कस्टम हायरिंग सेंटर कहते हैं ठीक है, है कुलदीप जी बैठिए तो देखिए कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है कुलदीप जी ने बताने की कोशिश की है और भी किसान भाई भाईया जो हाथ उठा रहे थे पीछे से उनके पास हम आते हैं उनसे भी जानते हैं आइए नाम बताइए मेरा नाम सूरज भान है जी गाँव असंगा से सर कस्टम हारिंग सेंटर एक किसानों को आठ दस किसानों का एक समूह होता है समूह के अंदर सारे किसान मिलकर जो पराली प्रबंधन की मशीनें ले लेते हैं तो उसमें सभी किसानों के लिए ये सहूलियत होती है कि इतनी महंगी मशीनें वो खरीद नहीं पाते अकेले किसान तो जिसमें एक या आधा एकड़ वाला किसान भी है वो भी उसमें शामिल होकर के अपने खेत में पराली प्रबंधन कर लेते हैं और इसमें मान लीजिए सरकार की तरफ से भी किसानों को कस्टम हारिंग सेंटर बनाने पर सब्सिडियाँ दी जाती है कृषि यंत्रों पर तो ये किसानों के लिए ग्रुप बनाकर समूह बनाकर कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाती है ठीक है बैठिए सूरज भी बता रहे हैं कि बेलर मशीन का क्या काम है और भी युवा किसान हैं जो बताना चाहते हैं जल्दी से खड़े हो जाइए नाम सर मेरा नाम हरदीप बहुमुना सिंह सर कस्टमर हायरिंग सेंटर वो सेंटर है जैसे कि छोटे किसान होते हैं सीमांत सीमांत किसान होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है तो वो कृषि यंत्र कितने में असमर्थ होते हैं तो ऐसा सेंटर जहाँ से इनको कृषि उपकरण को किराए पर दिया जाता है उस सेंटर को सेंटर देखिए अलग अलग में बैठिए हरदीप हरदीप भी बता रहे थे कि किस तरह से कस्टम होते हैं। तो और भी कोई बताना चाहता है समझा सकता है कि कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है युवा किसान हैं तमाम बुजुर्ग कि किसान हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। तो बता सकते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है तो देखिए प्रयास किसान कर रहे हैं बता रहे हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है लेकिन

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये कृषि बैंक स्थापित करने के लिए आयर करता है तो पहले तो इसके लिए ड्रा नहीं होते थे अब तो लाइन ज़्यादा लगी है तो ड्रा भी होने लगे हैं उसमें जितनी भी पराली प्रबंधन से लेके जितनी खेती बाड़ी में जो मशीनें यूज होती हैं जो सब्सिडी पे गवर्नमेंट देती है कृषि विभाग के अधीन वो सारी उस बैंक में स्थापित करते हैं वहां से इसका फायदा ये है कि जो भी किसान है क्योंकि इन जो इम्प्लीमेंट है इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जैसे बेलर है वो ये एक बीस लाख में पड़ता है तो वो हर किसान के लिए

जवाब बिल्कुल सही सटीक है ये विशेषज्ञों को तय करना है साथ ही वो ये भी बताएं कि कस्टम हायरिंग सेंटर से हमारे किसानों को क्या लाभ हो रहा है कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है जो तमाम जानकारी आपको पहुंचानी है सभी किसान भाइयों को नमस्कार तो जैसा कि कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में बात हो रही है तो जैसे किसान भाइयों ने बड़े अच्छी तरह से बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर किसानों का समूह है जिसमें से जो भी किसान है क्योंकि सभी किसान है इतनी महंगी महंगी मशीनें सबको अफोर्ड नहीं कर सकता जैसे बेलर बेलर ही बीस से पच्चीस लाख का आता है तो एक किसान नहीं ले सकता उसको लेकिन जब कस्टम हायरिंग सेंटर में इतने सारे इम्प्लीमेंट्स होंगे तो जो किसान है उसको रेंट के ऊपर उसको ले सकते हैं और पराली का प्रबंधन कर सकते हैं जैसा कि पैडी के अंदर दो टाइप की पराली प्रबंधन है इन सीटू और एक सीटू तो दोनों के इम्प्लीमेंट है जो किसान है उसको किराए पर वहाँ से ले सकते हैं और जो प्राली का जो प्रबंधन है वो कर सकते हैं तो इसी कड़ी में जो किसान हैं फतेहबाद के जो किसान हैं वो काफ़ी अग्रणी हैं और जो इन इम्प्लीमेंट्स का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और जो कस्टम कस्टमाइरिंग सेंटर हैं ये मग्घावाड़ी में और आसपास के जो गांव हैं उसके अंदर भी काफ़ी स्थापित हुए हैं और कृषि विभाग ने भी इनको स्थापित करने में पूरा सहयोग दिया है और यहाँ तक कि उनको अनुदान भी मशीनों पे हमने दिया किसान भाइयों ने जो जवाब दिया था उसमें सबसे अच्छा जो जवाब है वो रमेश जो है उन्होंने दिया है तो इस जो पर्सन में जो है रमेश है इसमें विनर घोषित होते हैं तो जोरदार तालियां रमेश जी के लिए बजा दीजिए रमेश जी कसम खा के आए हैं कि सारे कप वो लेकर जाएंगे आप लोग भी कसम खाइए ताकि आप लोगों को भी यहाँ किसान कप से नवाजा जा सके तो जोरदार तालियां एक बार फिर से रमेश जी के लिए तो देखिए रमेश जी बहुत शुक्रिया आपका सही जवाब देने के लिए और रमेश जी से ही आप लोग सीख सकते हैं कि आप भी सही जवाब दे सकते हैं किसान कब पा सकते हैं इसलिए लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं और सवाल का जवाब आप लोग दे रहे हैं इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक और सवाल आप लोगों के सामने रखेंगे जिसका जवाब आप लोगों को देना है तो सुनिए बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है कस्टम हायरिंग सेंटर या केंद्रों का क्या काम होता है यह आपको बताना है कस्टम हायरिंग सेंटरों और केंद्रों का क्या काम होता है यह आपको बताना है जल्दी से हाथ उठाइए बिना देरी किए हाथ उठाइए नहीं तो फिर हम आएंगे और हम आपको उठाएंगे और पूछेंगे आपसे सवाल का जवाब इसलिए जल्दी से हाथ उठाइए बिना देरी किए हाथ उठाइए और बताइए कि क्या होते हैं कस्टम हायरिंग सेंटरों के काम तो प्लीज खड़े हो जाइए जल्दी से आप जल्दी से क्या नाम है आपका उग्रसेन जी जी उग्रसेन जी बताइए ये क्वेश्चन मान ले जो उपलब्ध करा रहे किसी को मतलब किसानों को ये जी कोई किराए पे मैं समझ दे मिलना या इतना ही पता है आपको बैठिए आप ही पता <laughs> आब, आब बता रहे थे कुछ किराए पर जल्दी से खड़ो जो ये नाम आप नाम जी, 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 ये तो किसानों की बिजाई के लिए मतलब कृषि यंत्र उपलब्ध करवाते हैं किराए पे छोटे किसान न, वो नहीं खरीद सकते यंत्र तो उनकी सहायता के लिए जगह जगह बने होते हैं कस्टमाइजिंग सेंटर उनसे मशीनें ले किराए पे मिल जाती है तो अपना बिजाई वगैरह आसानी रहती है तो देखिए बहुत सारी आसानियाँ उनको होती हैं जहाँ किराए से वो यंत्र ले सकते हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर पर ये काम किया जाता है उनका कहना है जो टेकराम जी किसान थे और भी युवा किसान है हमारे साथ उनसे भी जान लेते हैं उनके पास क्या जानकारी है उनसे भी समझते हैं और इसीलिए हम आए हैं इनके पास नाम क्या है आपका जल्दी से बताइए सतवीर सिंह नाम है जी मेरा हाँ कस्टमर हायरिंग सेंटर का जो काम होता है हमारा मेन पराली प्रबंधन पे होता है और जितना भी हमारे जो मेन जो छोटे किसान हैं जो ये जो हमारे महंगे महंगे संसाधन है प्रवाड़ी प्रबंधन के लिए वो हम कस्टम हायरिंग है, सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं और कम किराए में भी हमें ये मौके पर उपलब्ध हो जाते हैं पराली प्रबंधन के लिए बहुत ही उचित है ये ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर है और नज़दीक है तो बार बार हमें दूर भी नहीं जाना पड़ता और ये हमारे जो पराली प्रबंधन के लिए विशेष तौर पर मतलब भी प्रदूषण भी मुक्त हमारा जो है गांव रहे हमारा गांव में जो कस्टमरिंग सेंटर है मौके पर हम जल्दी से ही पराई प्रबंधन कर लेते हैं सर तो देखिए बैठिए लगातार पराली प्रबंधन को लेकर और जिस तरह से कस्टम हायरिंग सेंटर को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब किसान भाई दे रहे हैं और भी किसान हैं जो बता सकते हैं जो समझा सकते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटरों पर क्या किया जाता है क्या होता है कस्टम हायरिंग सेंटरों पर वो आप बता सकते हैं तो और भी कोई किसान भाई जो बताना चाहता है जो समझाना चाहता है जल्दी से हाथ उठा सकता है फिर हम उसके पास आएंगे और उससे पूछेंगे कि उनके पास क्या उत्तर है तो इसलिए बिना डरे बिना सहमे वो बता सकते हैं वो समझा सकते हैं ऐसे तमाम किसान भाई जो यहाँ मौजूद हैं वो हाथ उठाएं जल्दी से देखिए युवा किसान है आप खड़े हो जाइए बताइए सर जितने भी कृषि यंत्र होते हैं उनको किराए पे उपलब्ध कराना छोटे किसानों को सीमांत जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है मेन काम यही होता है तो आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो वो किराए पर, पर ले सकते हैं इन यंत्रों का और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये हार्दिक क्या रचा रहे हैं बैठिए हार्दिक तो देखिए और भी किसान हैं जो बता सकते हैं जो समझा सकते हैं आ लेकिन लगातार संकोच भी कर रहे हैं किसान और बता रहे हैं कि उनका क्या जवाब है लेकिन अब मैं विशेषज्ञों पर यह छोड़ता हूं कि इसका उत्तर किसका सही है सटीक है ये घोषणा भी आप लोगों को करनी है साथ ही ये भी आप बताएं कि कस्टम हायरिंग सेंटरों का क्या काम होता है हमारे क्षेत्रों में जैसे सभी किसानों ने कुछ जो है इसका जो उत्तर बड़े अच्छे ढंग से दिया है और सभी ने इसमें जो उत्तर में कुछ ना कुछ इसमें ऐड करके ही दिया है तो जो कृषि यंत्र का जो है जो जो मुख्य जो कार्य है जैसे किसानों ने बताया कि पराली प्रबंधन का तो है ही और जो किसान है जो बैंक से जो इम्प्लीमेंट है अपने जो पराली प्रबंधन इन्होंने करनी है या इन सीटू करनी है या एक सीटों करनी है तो उसके लिए जो मशीनरी है वो बैंक से ले सकते हैं क्योंकि जो ये मशीनरी है बहुत ज़्यादा महंगी है तो एक जो छोटा सीमांत किसान है जो एक दो एक कड़का है वो इन सभी इतनी मशीनों को नहीं खरीद सकता तो इसको एक सहूलियत यह होती है किसान को दूर नहीं जाना पड़ता वो गांव के अंदर ही जो मशीनें हैं उसको अवेलेबल हो जाती है और उसका जो किराया है वो भी बहुत मिनिमम होता है यो लगभग कई जो है जो कस्टमर्स आयरिंग सेंटर हैं वो लगभग नो प्रॉफ़िट नो लॉस पे ही काम करती हैं ताकि जो प्राणी जो प्रबंधन है जो 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 हमारा है वो उसको 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 हम हम कितनी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते उसको बचा सके इसलिए हमारे जो जो किसान है सतबीर जी ने इन्हें बड़ा ही अच्छा जो स्टीक है उसका आंसर दिया तो इस जो उत्तर है सतबीर जी का सबसे अच्छा था जोरदार तालियां सतवीर के लिए बचा दीजिए सतवीर किसान है और सही जवाब दिया है उन्होंने इसलिए उनको नवाजा जाता है यहाँ किसान कब से एक बार फिर से जोरदार तालियां सतवीर के लिए तो लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं और प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं हमारे किसान भाई और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं एक और सवाल आप लोगों से पूछते हैं बहुत गौर से आप लोग सुनिए जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब आप लोगों को देना है इसलिए गौर से आपको सुनना भी आपकी जिम्मेदारी है तो देखिए कस्टम हायरिंग सेंटरों में उपलब्ध स्ट्रा बेलर मशीन क्या काम करती है यह आपको बताना है तो देखिए कस्टम हायरिंग सेंटरों में उपलब्ध बेलर मशीन क्या काम करती है यह आपको बताना है तो देखिए हाथ उठने शुरू हो चुके हैं और हाथ लगातार वही लोग उठा रहे हैं जो पहले से ही किसान कप के हकदार बन चुके हैं तो यहाँ से एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं इस सवाल का उत्तर लेने की नाम नामोन जी गांव नडोड़ी जी जी ये पराली प्रबंधक बनाती है और खेत खाली हो जाता है उस हिसाब होता है ठीक है उग्रसेन बता रहे हैं कि पराली की गाठी बनाती है मशीन और इसलिए आगे से भी हाथ उठाया था एक बुजुर्ग किसान हैं जो पहले हाथ उठा रहे थे जल्दी से खड़ा हो जाइए खड़ा हो जाइए नाम बताइए हाँ जी, जी बताइए ये पराली का गाठी बनाती है अच्छा ठीक है बैठिए देखिए शर्मा जी बता रहे थे कि गाठे बनाने का काम ये बेलर मशीन करती है और भी किसान जो बता सकते हैं जो समझा सकते हैं कि ये मशीन का क्या काम है इस मशीन को किस तरह से इस्तेमाल वो करते हैं इस मशीन से क्या फ़ायदा उनको होता है तो वो बता सकते हैं जल्दी से यहाँ बताना चाह रहे थे आप जल्दी से हाथ उठा रहे थे और इसलिए आप स... मेरा नाम सूरजभान है संगासी जो बेलर मशीन का काम है जिसको मान ली सटरा बेलर भी बोलते हैं उसके साथ एक मशीन और होती है रेंक जो धान की फसल कटने के बाद उसको मान ली कटर से काट के उसका रेंक करके उससे गांठे बनाई जाती है और खेत से बाहर निकाल के उसमें सीधा जीरो ड्रिल से बिजाई कर देते हैं ठीक है बैठिए सूरज भान भी बता रहे हैं कि बेलर मशीन का क्या काम है आप बताना चाहेंगे खड़ा होना चाहेंगे क्या नाम है आपका खड़ा हो जाइए क्या नाम है आपका रामकृष्ण हाँ रामकृष्ण जी बताइए

वो बताएं स्ट्रावेलर जो मशीन है प्राणी का प्रबंधन तो करती है ये एक सीटू मैनेजमेंट की मशीन है जैसे सभी किसानों ने उत्तर तो सही दिया है पर हमें क्या है नए किसान को भी आगे प्रोत्साहित करना है तो इस कड़ी में सरपंच साहब के जो पीछे राम सिंह जी है हम ही घोषित करते हैं तो देखिए घोषणा हो चुकी है रामकृष्ण जी के नाम की और रामकृष्ण जी ने जवाब दिया हालांकि जवाब बड़े डरते हुए दिया था लेकिन उनका जवाब बिल्कुल सही और सटीक था इसलिए जोरदार तालियां रामकृष्ण जी के लिए आइए रामकृष्ण जी आपको यहां किसान कब का हकदार बनाया जाता है आपने जवाब देने की कोशिश जो की थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है एक बार फिर जोरदार तालियां बचाइए रामकृष्ण जी के लिए बहुत शुक्रिया रामकृष्ण जी सही जवाब दिया आपने और इसीलिए किसान कब के हकदार आप बन चुके हैं सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सही जानकारी विशेषज्ञों के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि इस मशीन का सही उपयोग कैसे किया जाता है लेकिन यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे अरे रे सावधानी हटी तो जेब कट दादा मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड तो तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी पर पैसे तो गए नहीं नहीं पैसे नहीं गए नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई और सुनिए समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलाम <laughs> अभी यह कहता है की जानकार बनिए सतर्क रहिए ब्रेक के बाद किसान पेश मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लगातार हमारे हमारे है। एक एक्सिडो मैनेजमेंट की मशीन है जो हमारे खेतों में प्राणी प्रबंधन के लिए किसान यूज करते हैं और इससे जो गाठे बनती है उसको किसान डायरेक्ट इंडस्ट्री में बेचकर अपने इनकम में बढ़ोतरी कर सकता है जो जिसकी वजह से उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी स्ट्रा की जो कीमत है अठारह से लेके पैंतीस लाख रुपए तक की कीमत में मिल रहे हैं अब की, अब की बार ये पर जो हमारे जिले में मशीनें हैं ये कस्टम हायरिंग केंद्र में भी उपलब्ध है तो सरकार से जो कस्टम हायरिंग केंद्र सरकार ने जो सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध करवा रखे हैं उनसे भी अपने क्लस्टर में अपने गाँव के नज़दीक में जा कर के आप मशीनें ले सकते हैं और आपके जो गाँव मगावाड़ी में है यहाँ लगभग तीन बेलर किसान हाँ आपके गांव से ही रमेश चौहान जी इनके पास चल रहे हैं आप इनसे सस्ते दरों पर अपने खेतों के लिए गाठे बनवाने के लिए मशीनें ले जा सकते हैं और पराली प्रबंधन का फायदा उठा सकते हैं इसमें एक एक और काम सरकार द्वारा किया जाता है पराली प्रबंधन के एक हजार रूपए प्रति एकड़ गाठों के भी सरकार द्वारा किसानों को दिए जाते हैं तो लगातार जिस तरह से सवाल हम पूछ रहे हैं और सवाल एक और आपसे ही इसी से जुड़ा हुआ पूछेंगे देखिए सवाल आपको सुनना है बहुत गौर से और बहुत ही इजी प्रश्न हैं जिसका जवाब बहुत ही सरल तरीके से आप दे सकते हैं कस्टम हायरिंग केंद्रों पर कौन सी मशीनें उपलब्ध होती हैं ये बताना है आपको जो ज्यादा से ज्यादा मशीनें बताएगा उसे किसान कब से यहां नवाजा जाएगा इसलिए शुरुआत इस बार पीछे से करेंगे पीछे हमारे किसान भाई ने हाथ उठा लिया है उन तक हम पहुंचेंगे और उनसे ही जानेंगे इसलिए खड़े हो जाइए क्या नाम है आपका राय साहब नाम है जी हाँ राय साहब बताइए गाँव वोटर से हूँ मैं और हमारे यहाँ हर एक प्रकार की मशीनें उपलब्ध होती है जैसे रोटावेटर है सुपर सीडर है जीरो ड्रिल है बेलर है और जीरो ड्रिल है सभी प्रकार की मशीन है जो गांठे बनाने वाली है और बिजाई करने वाली है सभी को उचित सस्ते दामों पर उपलब्ध कराते हैं और किराए पर भी देते हैं ठीक है तमाम मशीनों के नाम देखिए राय साहब ने बताए हैं और भी किसान बता सकते हैं किसान कब पा सकते हैं इसलिए यहाँ युवा किसान भी हैं उनसे भी जान लेते हैं खड़े हो जाइए आप इसमें सबसे पहले तो जो हार्वेस्टिंग सेंटर बनाया गया है छोटे किसानों के लिए बनाया गया है और उसमें जो समूह होता है वहाँ पर ट्रैक्टर रोटावेटर सुपर ड्रिल और अपने बिजाई की जो मशीनें होती है छोटे मोटे जो उपकरण हैं, जितने भी किसान यंत्रण में जो लाए जाते हैं बेलर है पराली यंत्रण के लिए सुपर अपने एपीसीडर है इन सभी उपकरण किसान आसानी से वहां से कम कीमत पर अपने खेतों के लिए वो वहां से ले सकते हैं। हैं ठीक है बैठिए तो देखिए बता रहे हैं कौन कौन सी मशीनें हैं जो मिलती हैं जो ले सकते हैं और वो रेंट पर वहां से ली जा सकती आसानी से उनसे अपना कार्य किया जा सकता है और आगे से भी हाथ उठाया था इसलिए आपके पास भी आएंगे आप भी खड़े हो जाइए सबसे पहले तो है जी बेलर फिर है जी सीडर बिजाई के लिए और जीरो ड्रिल भी है जी और मल्टर भी है जी देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं किसान बताने की कि तो कौन कौन सी मशीनें हायरिंग सेंटर में उपलब्ध होती हैं और भी देखिए किसान हैं जो बताना चाहते हैं जल्दी से खड़ा हो जाइए उग्र जी इसमें जी है सुपर सीडर है जी हैपी सीडर है वो रिवर्स प्लाउ है जी एयरवुटा बेटर जी जीरो ड्रिल मशीन है जी वो है जी <laughs> बढ़िया। बहुत शुक्रिया उग्रसेन जवाब देने के लिए प्रयास करने के लिए आप भी बताना चाहते हैं ये वेटर हो गया वेटर। बिलर हो गया सुपर सीडर हो गया एपी सीडर हो गया, गया। जीरो रिवर्स फ्लो हो गया यहाँ बुजुर्ग ने बता दिया है कि कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए हम विशेषज्ञों पर छोड़ते हैं कि वो ये भी बताएं कि कौन कौन सी मशीनें कस्टम हायरिंग सेंटरों में होती हैं और ये भी बताएं कि किसका सही जवाब था किसको किसान कब से नवासा जाए देखो जी वैसे तो सभी किसान भाइयों ने सही कृषि यंत्रों के नाम लिए हैं पर जो कम से कम दस कृषि यंत्रों के नाम तो आप किसान भाइयों को लेने चाहिए फिर भी इन सभी इनमें जो नाम है स्ट्रा चोपर है पेडी स्ट्रा चोपर है रैक है मल्चर है स्ट्रा बेलर है रिवर्जिबल प्लाउ है सुपर सीडर है जीरो ड्रिल है रोटरी सिलेशर है रोटरी सिलेसर तो मेरे ख्याल से हरे घर में हरे किसान के पास में अवेलेबल है ठीक है तो ये एक कृषि यंत्र है जो प्राणी प्रबंधन में किसानों के काम आते हैं और जो कस्टम कस्टमरिंग केंद्र में उपलब्ध होते हैं और इसमें जो मेरी तरफ से और डी डी साहब की तरफ से जो एग्जैक्ट जवाब है वो उग्रसेन जी ने ज्यादा दिया है आइए उग्रसेन जी जोरदार तालियां उग्रसेन के लिए एक बार फिर से बजा दीजिए क्योंकि इन्होंने कोशिश की है और कोशिश सही की है इसलिए इन्हें नवाजा जाता है किसान कब से दोनों हाथों से सम्मान लीजिए जोरदार विशेषज्ञों की तरफ से ये जो मशीनें हैं जो महत्वपूर्ण मशीनें हैं कस्टम हायरिंग सेंटरों में वो मशीनें कैसे उनको मिल सकती हैं कैसे वो प्राप्त करें क्या उसका प्रोसेस होता है और इन मशीनों से कितना फायदा उनको हो सकता देखो पिछले दो हज़ार अठारह उन्नीस से एक पराली प्रबंधन की एक स्कीम चली थी सी आर एम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट इस स्कीम के तहत सरकार ने दो हज़ार अठारह उन्नीस से लेकर तेईस चौ तेईस चौबीस तक पराली प्रबंधन में कृषि यंत्रों पर सरकार ने अनुदान दिया है अनुदान दो फॉर्म में सरकार ने दिया है एक में तो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया है और एक कस्टम आयरिंग केंद्र में दिया है कस्टम आयरिंग केंद्र सरकार का जो बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि हरेक गांव में जो छोटे किसान है छोटी जोत के किसान है आधा एकड़ से लेकर ढाई एकड़ या तीन एकड़ पाँच एकड़ तक उन सब को जो नई मशीनें हैं कृषि में जो नई मशीनें यूज हो रही हैं वो सभी मशीनें उपलब्ध हों उन मशीनों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कस्टम कस्टमाइरिंग केंद्र बनाए थे क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में किसानों की इतनी आमदन नहीं होती कि वो अब मशीनें खुद खरीद लें और प्रणाली का प्रबंधन कर सके इस करके सरकार ने कस्टम कस्टमाइरिंग केंद्र बनाए थे और कस्टम कस्टमाइरिंग केंद्र में जो मशीनें दी सरकार ने उनका जो रेट फिक्स होता है किराए का वो डीसी साहब के द्वारा फ़िक्स किया जाता है एक कमेटी बना के जिसको डीएलसी बोलते हैं ज़िला क्रियान्वयन कमेटी उसमें पांच मेंबर होते हैं उसमें डीडीए साहब भी होते हैं डबल साहब होते हैं डीसी साहब होते हैं एसडीएम एलडीएम और एक प्रगतिशील किसान आप सबके बीच में से ही होता है तो ये जो प्रगतिशील किसान और ये जो सरकारी अधिकारी मिलकर जो रेट फिक्स करते हैं आप लोगों की सलाह मशवरे से उस रेट को कस्टमाइरिंग रेट बोलते हैं और जो मशीनें आपको गांव में कस्टमाइरिंग सेंटर में उपलब्ध होती है वो उस रेट के ऊपर उपलब्ध होती है इसलिए उसका रेट कम होता है तो जो आपको जो रेट रेट पे मशीनें मिलती हैं वो बिल्कुल ही नॉमिनल रेट पे मिलती है वहाँ से आप कोशिश किया करो मशीनें लेने का और अपने खेतों में प्रणाली प्रबंधन का काम करने का तो देखिए डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर राज, डॉक्टर राजेश यहां मंच पर मौजूद हैं और हमारे साथ इस किसान प्रश्न मंच पर वो संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति थी जब ये मशीनें ये यंत्र तो नहीं होते थे खेती करने में और आज क्या स्थिति बदली है वो ये बताएंगे और उसके बाद उन्हें अलविदा कहेंगे किसान भाइयों जैसा कि सभी को पता है कि पहले हमारे पास जो पराली प्रबंधन की बहुत कम मशीनें होती थी और जैसा कि जो पैडी का सीज़न है जब हार्वेस्टिंग होती है जो विंडो है बहुत शॉर्ट होती है और सभी किसानों को ये जल्दी होती है कि वो अपनी जो कणक की बिजाई है जल्दी से जल्दी कर ले जल्दी के चक्कर में जो किसान हैं अपने जो फ़सल के अवशेष हैं उनको आग लगा देते थे और हम उसके बारे में किसानों को मोटिवेट भी करते थे उनको समझाते भी थे लेकिन किसान कहते थे हम इसका प्रबंधन कैसे करें हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में जो इम्प्लीमेंट्स हैं जो सुपर सीडर हैं बेलर्स हैं और जो भी मशीनें हैं जो सीआरएम क्रॉप रेज्यू मैनेजमेंट काम आती हुए नहीं थी ये हम बात कर रहे हैं दो हज़ार सत्रह अट्ठारह की उसके बाद सरकारों ने भी इनिशिएटिव लिया किसानों ने भी इनिशिएटिव लिया कि जो हम जो धुआँ रहा है ये हमारे लिए ठीक नहीं है ना ही हमारी सेहत के लिए ठीक है ना ही हमारी खेत के लिए ठीक है और ना ही हमारे पशुओं के लिए ठीक है किसानों ने अपने लेवल पर प्रयास किया जो बड़े किसान थे बड़े जोत के किसान थे उन्होंने खुद के भी अपने लेवल पर भी जो मशीनें ये खरीदी हैं कस्टम हायरिंग सेंटर किसानों ने ही बनाए और जो विभाग है उसने भी इन इस पर जो सब्सिडी है जो इन यंत्रों पे दी है तो जैसा कि ट्रेंड है जो हर साल जो पराली जो के जो केसेस हैं जो हर शक भी जिसको पर निगरानी करता है जो कृषि विभाग भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी उस पर पूरा मुस, मुस्तैद रहता है और हम उसकी निगरानी करते हैं तो ये जो ट्रेंड है ये चलन में आया है कि हर साल जो जो घटनाएं हैं पराली की जो आग लगाने की वो कम हो रही है हर साल साल दर साल कम हो रही है और अगर मैं तुलना करूं 2022 की 23 से अगर मैं तुलना करूं तो 2023 में 2022 से 25 परसेंट जो है जो कम है आग जो जो किसानों ने आगजनी की घटनाएँ जो कम हुई है और इससे पहले भी जो थी जो आगजनी की घटनाएँ हैं जो हम इक्कीस बाईस की बात करें तो उसमें भी इक्कीस से जो हम बाईस में आते हैं तो आगजनी घटनाएँ कम हुई थी तो दर प्रति दर साल दर जो साल है जो एक जो घटनाएं भी कम हो रही हैं ये इसलिए कम हो रही हैं जो किसान हैं वो अवेयर हो चुका है अभी किसान को पता है कि जो ये पोल्यूशन हो रहा है ये 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 हमारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि हमारी जो हम जो आग लगा रहे हैं जो हमारे पोषक तत्व हैं जो जमीन के वो ख़त्म हो रहे हैं जो मित्र कीट है हमारे ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ तक कि जो बुज़ुर्ग हैं बच्चे हैं महिलाएँ हैं आपने देखा होगा वहाँ उस समय जो है सांस लेने में दिक्कत होती है तो इसलिए जो किसानों पर भी इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है किसान भी इंसिडेंस है वो कम करने लगे हैं और हमारे पास इम्प्लीमेंट्स इतने हो गए हैं कि जो विंडो हमारी जो शॉर्ट थी उसमें हमारे पास भरपूर मात्रा में हमारे पास इन सी टू के और एक्स सी टू का इम्प्लीमेंट है किसान उसको फटाफट अपने कस्टम हायरिंग सेंटरों से लेके जो उसके नज़दीक उसके गाँव में और पराली का प्रबंधन कर रहे हैं तो इसका जो मशीनों का मशीनीकरण का जो बहुत ही अच्छा जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को अभी एट प्रेजेंट मिल रहा है और 2024 के अंदर भी जो है हमारी जो है मनसा है कि किसान है मैक्सिमम मशीनरी का यूटिलाइज करें और हमने किसानों से आवेदन भी मांगे हुए हैं जो किसान कौन सी मशीन खरीदना चाहता है वो किसानों ने लगभग आवेदन भी किए हुए हैं हमने उनके परमिट दिए हैं किसान उसको ख़रीद भी रहे हैं और अगले सीजन में जो हमारे जो आएगा उसको अंदर उसको यूज़ भी करेंगे और हम आशावादी हैं कि जो पिछली बार से जो इंसिडेंस है वो उससे भी बहुत कम हो और हमारा तो ये टारगेट है कि ज़ीरो जो बर्निंग है वो हमारे फतेहबाद ज़िले के अंदर हो तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद तो देखिए यहाँ आपको बताया डिप्टी डायरेक्टर ने कि किस तरह से आप लोग फायदा उठा सकते हैं किस तरह से आप लोग जो है बेहतर खेती किसानी कर सकते हैं तो फिलहाल इजाजत देंगे उनको क्योंकि उनको जरूरी काम है और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे फौरन हाजिर होंगे पर्वत श्रृंखलाएं जहां अपनी चमक बिखेरती है करता बहता पानी जहां संगीत सुनाता है हरी भरी धरती जहां अपनी कहानी को दोहराती है वो धरती आज हमें फिर से पुकारती है विश्व में बढ़ता प्रदूषण कहीं धरती पर जीवन के लिए विनाशकारी न बन जाए कहीं हम धरती के विनाश में भागीदार न हो जाएं, आओ मिलकर हाथ मिलाएं पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। पाँच जून विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिए खास कार्यक्रम धरती की पुकार दूरदर्शन किसान पर, दोपहर बारह बजे पुनः प्रसारण शाम चार बजे और रात साढ़े आठ बजे ब्रेक के बाद किसान पवेश मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार जो सिलसिला यहां चल रहा है सवाल जवाबों का वो आगे बढ़ाते हैं और सवाल आपसे करते हैं जवाब आप लोगों को देने हैं बिल्कुल आप ईमानदारी के साथ सुनिए और गौर से सुनिए और क्योंकि जवाब आप लोगों को देना है तो इसलिए पूरा ध्यान लगाकर सवाल सुनिए और सवाल आप ही के गांव से जुड़ा हुआ है गांव मग्घा में स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्र का नाम बताना है आपको क्या नाम है उसका देखिए कितने सारे लोगों का हाथ उठना शुरू हो गया है क्योंकि गांव की जो बात है इसलिए शुरुआत आगे से ही कर लेते हैं आप खड़े हो जाइए क्या नाम है आपका महेंद्र सिंह गिल जी क्या नाम है ठाकुर एग्रीकल्चर सोसाइटी मग्घा ठीक है बैठिए तो देखिए नाम बताया है और और भी किसान है जो नाम बताना है। चाहते हैं जिन्होंने हाथ उठाया तो जल्दी से खड़े हो जाइए ठाकुर एग्रीकल्चर सोसाइटी जी मग्गा तो वाली ठीक है बैठिए तो मग्गा वाली गांव में इस वक्त जहां मौजूद हैं उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है इसलिए बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे थे खड़े हो जाइए नाम बताइए अपना मेरा नाम विकास है गाँव से हूँ तो ये है ठाकुर एग्रीकल्चर सोसाइटी गोटरू रोड मग्घा वाली और जो ये सोसाइटी जो बनाई है ये रमेश जी ठाकर है मगाली से उन्होंने बनाई हुई है और इन्होंने इस सोसाइटी ने किसानों की सेवाओं के साथ साथ उपकरण देने के साथ साथ है। अलग ये सेवा भी करती है जैसे गरीब कन्याओं की शादी करवाना और कोरोना काल में इन्होंने राशन भी सोसाइटी के द्वारा से बांटा था चलिए बहुत बढ़िया जोरदार तालियां बचा दीजिए इनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो देखिए और भी लोग हैं जो जवाब देना चाहते हैं जल्दी से हाथ उठा सकते हैं बता सकते हैं कि क्या नाम है इस कस्टम हायरिंग सेंटर का आप बता सकते हैं खड़े हो जाइए एग्रीकल्चर सोसायटी गोटू रोड मंगावाड़ी ठीक है किस तरह से इसको स्थापित किया गया वो भी बता रहे हैं लोग और जो किसान है वो बता रहे हैं और एक और बुजुर्ग हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं उनका भी नाम जान लेते हैं क्या नाम है आपका लीलू राम शर्मा जी लीलू राम शर्मा जी बताइए ठाकुर एग्रीकल्चर सोसाइटी मंगावाड़ी रमेश चौहान तो देखिये किस तरह से ये कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया गया किस नाम से किया गया ये सवाल था इसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा और किसको तय करना है ये भी आप ही बताएंगे साथ ही ये भी बताएंगे कि कस्टम हायरिंग सेंटर कितना ज़रूरी है हमारे क्षेत्रों के लिए देखो जवाब तो आप सभी किसान भाइयों ने सही दिया है पर जो मुझे एग्जैक्ट सही जवाब लगा वो विकास जी का लगा है उन्होंने एग्जैक्ट एड्रेस वगैरह सब कुछ बताया है और इस बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा रमेश जी के बारे में और इस सोसाइटी के बारे में ये जो कस्टम हायरिंग केंद्र है 2017-18 में इस्टेब्लिश हुआ था सरकार ने इस पर चालीस प्रतिशत अनुदान राशि दी थी उस समय तो 40 प्रतिशत अनुदान राशि पर ये जो कस्टम हायरिंग केंद्र है स्थापित हुआ था और इसने किसानों के लिए तो साथ में काम किया ही है लोगों के लिए भी समाज सेवा बहुत की इस कस्टम हायरिंग केंद्र ने और इसके प्रधान रमेश चौहान जी ने इन्होंने कोरोना काल में जब लोगों से लोग दूर जा रहे थे अपनों के पास भी अपने निारे थे तो रमेश चौहान लाइन में लग के लोगों को अनाज बांट रहे थे इस सोसाइटी ने इस कस्टम हायरिंग केंद्र ने यूँ समझ लो ये हमारे कृषि विभाग के लिए भी एक वरदान की तरह काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है जब भी कोई एक सेंटर की टीम आती है या स्टेट की आती है तो डायरेक्ट अमियात और रमेश चौहान के पास लेके आते हैं या फिर इन्हीं की तरह एक और किसान है हमारे सियाग साहब सूरज सुरजबान सियाग किसान विकास सोसाइटी असंगा उनके पास लेके जाते हैं ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं जी तो इस करके इनको देख के ही काफ़ी और सोसाइटियाँ भी इस पराली प्रबंधन के काम में इनको एल बी लेती है अब पराली प्रबंधन का सीजन आएगा तो इनको अपने सुपर सीडर तो चलाने होते ही हैं लोगों को भी गाइड करना होता है मेरे को ये आज भी याद है भाई दो में रमेश चौहान जाखड़ जाके भी किसानों को इसके बारे में मोटिवेट करे थी भाई ऐसे सुपर सीडर चलाना है ऐसे एपी सीडर चलाना है आपको तो याद होगा रमेश जी तो इन्होंने बहुत काम किया है और जो ये कस्टम हायरिंग केंद्र है जहाँ आप कह रहे हो कि कैसे हमारे लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि इस कस्टम हायरिंग केंद्र से हमें एक आपसी सोशल रिलेशन भी बढ़ता है काम तो होता ही है हमारा आपस में भी रिलेशन बढ़ता है शेयरिंग आती है एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटनी आती है चाहे वो फ्री में हो चाहे सस्ते रेटों में हो और चाहे सामूहिक रूप से मिल किसानों का काम करने का तजुर्बा हो वो भी अपने को इससे पता लगता है अब एक इंडिविजुअल में हम सुपर सीडर ले आए अपनी बिजाई करी हमें नहीं पता कैसे करनी है पर अगर आप कस्टम हायरिंग केंद्र से मशीनें लेते हो तो उनके पास तजुर्बा होता है आपका जो बीज लेते हो आप वो ख़राब नहीं जाएगा अच्छी क्वालिटी का बीज होता है तीस चालीस किलो जो भी जितना भी डालते हो वो बढ़िया तरीके से ही कस्टम हायरिंग केंद्र वाले डालते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अपने से ज़्यादा होता है तो इस करके कस्टम हायरिंग केंद्र किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसानों के लिए एक आशा की किरण है ये तो किसानों के लिए कस्टम हाइरिंग सेंटर के आशा की किरण है और जिस तरह से उन्होंने कहा कि विकास जी ने सही जवाब दिया इसलिए आइए विकास जी जोरदार तालियां विकास जी के लिए क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया और इन्हें नवाजा जाता है यहाँ किसान कब से देखिए जोरदार तालियां एक बार फिर से

तो हमने कस्टमर सेंटर सिर्फ सब्सिडी लेने के लिए नहीं बनाया था ये हमने इसमें सब्सिडी दे रही थी गवर्नमेंट तो हम हमारा भी राइट बनता था हमने लिया पर यह सिर्फ सब्सिडी के लिए नहीं बना था हमने उसको स्थापित किया उसमें हम जितनी सब्सिडी भी हमें साधन मिले उससे डबल हमारे पास खुद के हैं जो हमारे पास पहले भी थे और हमने बाद में भी उनको बायर किया क्योंकि कई चीजें हैं जो कस्टमर अर्निंग सेंटर पे अनुदान नहीं है जिनपे जैसे जी कह रहे हैं उनका उद्देश्य है लोगों की सेवा करना जी कोई सब्सिडी लेना नहीं जी देखो जब मिल रही है सब्सिडी वो हमारा अधिकार है वो तो हमने ली है उनसे डिनाई नहीं करेंगे पर एक सब्सिडी लेना ही हमारा मैन मोटिव नहीं था उसके दौरान ये रहा कि जैसे लॉकडाउन आया कोरोना काल आया तो हमारे साथ उस वक्त के हमारे पार्टनर थे चैनल पार्टनर थे सीआईआई फाउंडेशन के साथ हम काम कर रहे थे काफी लंबे समय से तो उन्होंने हमारी सपोर्ट करी और हमने कम से कम भी यहाँ पे बारह गाँव में मतलब कि लोगों को जो गरीब पीछे जो सीजन गया है उसमें हमने दस एकड़ में पराली प्रबंधन किया है और आने वाले समय में हम पंद्रह हजार एकड़ में पराली प्रबंधन करेंगे जोरदार तालियां बजाइए रमेश जी के लिए जिस तरह से लगातार वो काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा करने का जो उद्देश्य उन्होंने ठाना है उसका कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है उनका ये कहना है उनका ये मानना है और अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लगातार जो सेशन हमने शुरू किया था आप लोगों से सवाल पूछने का अब सेशन शुरू होता है आप लोगों के सवाल पूछने का तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं विशेषज्ञों द्वारा यहां आपका जवाब दिया जाएगा जल्दी से किसी का कोई सवाल हो तो वह हाथ उठा सकता है चल रहा था सवाल पूछने का आप लोगों से जिसका जवाब आप लोग दे रहे थे लेकिन अब आप सवाल पूछ सकते हैं इसलिए आपने हाथ उठाने शुरू कर दिए हैं तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब यहाँ विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा जल्दी से खड़े हो जाइए और पूछिए सवाल मैं सूरज वन से मैं जो बड़ा कंपनी के हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो कार्बन क्रेडिट है ये किस बेस पे आप किसानों को मालिक कलेक्ट करके कब तक इसकी रिपोर्ट देते हैं कार्बन क्रेडिट का जो रिपोर्ट है वो कब तक देते हो आप लोग ये उनका सवाल है सूरज का सभी किसानों को मेरा नमस्कार किसान जो है अन्नदाता के रूप में पहचाने जाते हैं और जो आज जो एक क्वेश्चन एक किसान ने किया है कार्बन क्रेडिट तो मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कार्बन क्रेडिट एक बहुत ही नई तकनीक है आज तक हम जिसे फसल प्रबंधन के नाम से जाने जाते थे अब क्या है कार्बन क्रेडिट में उसी फसल प्रबंधन के दौरान जो हम क्रॉप रेसिड्यू को जो फसल के अवशेष उनको मिट्टी में मिक्स करते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाते हैं उससे क्या होता है मिट्टी में कार्बन बढ़ता है अगर उस फसल, जो ये फसल प्रबंधन किया क्यों जा रहा है पहले के समय में किसान क्या करता था पराली को जला देता था जिसकी वजह से आग लगने की वजह से पर्यावरण में धुआं होता था तो किसान को सिर्फ धुआं दिखाई देता था लेकिन जो जलने की वजह से जो गैसेस निकलती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग का एक मेजर कारण थी ठीक है उसी के चलते कार्बन क्रेडिट एक टर्म जो है इंट्रोड्यूस की गई किसानों के बीच में लाई गई जिसके अंतर्गत जो गैसेस पर्यावरण में जाने के जाने के बाद जो नुकसान करती हैं उनमें निकाला गया कि अगर इनको मिट्टी में हम मिक्स कर दें अगर फसल अवशेष को तो जो गैसेज नुकसान कर रही है ये पर्यावरण को फायदा करेंगे मिट्टी में जो ऑर्गन ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ा देंगे तो इसी के चलते कार्बन क्रेडिट टर्म आई और कार्बन क्रेडिट टर्म का जो मतलब ये है जो जो कार्बन मिट्टी में है उससे ना नापा जाएगा तो कार्बन क्रेडिट की रिपोर्ट ईयरली आती है एक साल में एक बार आती है अभी जो सैंपलिंग मिट्टी की सैंपलिंग होती है और फिर उसकी रिपोर्ट बनती है और तय किया जाता है कि एक साल में कितना कार्बन क्रेडिट एक खेत में जो है जनरेट हुआ है तो देखिए और भी कोई किसान कोई सवाल कोई जानकारी चाहता हो तो वो हाथ उठा सकता है तो देखिए हाथ उठ गए और उनसे जान लेते हैं कि क्या है उनका सवाल ताकि विशेषज्ञ दे सके उनका जवाब सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था क्योंकि थोड़ा जो है पैसे का वो किसान के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा जो आप बात कर रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी उसका हिस्सा है तो उसके अंतर्गत भी यही होगा कि जिन किसानों को आप अच्छी आ, एक्टिविटीज़ करने के लिए जैसे धान की सीधी बिजाई करना सुपर सीडर से गेहूं की बिजाई करना ये अगर आपके किसान बिजाई करते हैं तो ज़रूर इस प्रोग्राम में जोड़ें और आपकी बात बहुत ही सत्य है किसानों को आप श्योर हंड्रेड परसेंट ये कह सकते हैं कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट से और सी कस्टमर हायरिंग सेंटर जो हैं इनसे जुड़ के किसान सिर्फ मशीनों का लाभ नहीं बहुत ही और आधुनिक जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं फाइनेंशियली हेल्प ले सकते हैं और इन ऐसी एक्टिविटीज अपना के पर्यावरण को बचा सकते हैं वो कैसे आप लोग उठाएंगे इसलिए जानकारी लगातार विशेषज्ञों द्वारा आपको दी जा रही है जो इस वक्त आप गौर से सुन रहे हैं वो जरूर आपके काम आएगी तो लगातार सवाल पूछ रहे हैं हमारे किसान भाई और जवाब दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ और इसीलिए एक और आ, सवाल उनसे पूछना चाहते हैं किसान भाई जिनके पास हम आएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वो पूछना चाहते हैं हरदीप हर से सर सर जो कस्टमर हायरिंग हायरिंग सेंटर सेंटर उनका पता कैसे कैसे करेंगे ये कैसे उनसे करें कस्टम सेंटर की जानकारी कैसे वो प्राप्त करें कहा, कहा कस्टम हायरिंग सेंटर हैं वो कैसे देख सकते हैं और कैसे उनसे संपर्क कर सकते हैं ये हरदीप जानना चाहते हैं बैठिए वो जिला स्तर पर सहायक कृषि अभियंता कार्यालय है वहाँ से भी मिल सकती है एक खंड ब्लॉक स्तर पर खंड स्तर पर कार्यालय होते हैं बीओगे खंड कृषि अधिकारी उनके पास भी लिस्ट उपलब्ध होती हैं तो वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं या फिर प्रगतिशील किसान है फतेहबाद में तो है खिचड़ साहब और यहाँ पे आपके मगावाड़ी में रमेश चौहान है असंगा में आपके सूरजबान जी है

पूरा करने का और इसीलिए तमाम किसान और विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े विशेषज्ञों का जोरदार स्वागत और शुक्रिया अदा करते हैं तालियों के साथ और अपना भी शुक्रिया अदा कीजिए आपका भी शुक्रिया अदा करता है किसान मंच जोरदार तालियों के साथ और फिर किसी नई जगह नए मुद्दों के साथ किसानों से करेंगे बातचीत फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान